मध्य प्रदेश में अब शराब पीकर गदर करने वाले महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले और हुक्का बार लाउंज चलाने वालों पर पुलिस सख्ती दिखाएगी। इस संबंध में गृह विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों का दमन किया जाए। उधर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसी साल फर्स्ट सेमेस्टर में इन किताबों का उपयोग हुआ। इसके लिए 3 बुकें हिंदी में तैयार की गई है जिनका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को करेंगे। उधर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों में पिछले वर्ष के अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार बनने पर पुराने पेंशन लिमिट लागू करने की बात कही। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर 2 गाड़ियों से 70 डिब्बे मावा जब्त किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जब्त किए मावे की सैंपलिंग कर इसकी गुणवत्ता के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा संत नगर में अवैध तरीके से घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने का मामला सामने आया। स्थानीय जवानों ने इसका वीडियो बनाकर शिकायत की थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इस घोर धंधे को कर रहे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने वाले, पीकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले और ड्रग्स के जरिए युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेने जा रही है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाए ताकि दमनकारी या दूसरों का ही सोचने वाले अपराधी मानसिकता के लोगों को दोबारा से उठने का मौका न मिले। इस समीक्षा के बाद भोपाल पुलिस ने कुछ हुक्का लाउंज पर कार्रवाई भी की है। पहले से प्रावधान है, हम लोग इसका प्रभावी उपयोग करें। पी के गदर करने का किसी को नहीं है। दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। मतलब वहां भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अपराधों पे कार्रवाई करें, लेकिन आप सबको हमारा दृष्टिकोण पता है माँ बहन बेटी के सम्मान के बारे में। मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है। मैं निर्देश दे रहा हूं, दुराचारी किसी भी कीमत पर बक्से नहीं दिया जाने चाहिए, बुलडोजर चलने चाहिए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है। इसी साल फर्स्ट सेमेस्टर से बुक प्रभावी होगी। इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को इन किताबों का विमोचन करेंगे। विभागीय मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा पर खरा उतरने के लिए हमने प्रयास किया और 3 किताबों को हिंदी में प्रकाशित करवाने के साथ ही इनके जरिए पढ़ाई शुरू करवाई जा रही है। और हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से हिंदी में MBBS की पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें ये काम सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने MBBS की फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट की किताबें तैयार कर ली है। 16 अक्टूबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर इसका लोकार्पण करेंगे, इन किताबों का विमोचन करेंगे। फर्स्ट ईयर की ये 3 किताबें इसी साल से पढ़ाई में जुड़ जाएंगी और उसके बाद हिंदी में हमारी जो हमारा एक सपना है MBBS की पढ़ाई शुरू होगी, वो पूरा होगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है और हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। निश्चित रूप से हम सब देश भाषी इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि अब हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई होगी। मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों से सरकार भेदभाव पूर्ण नीति अपना रही है और वही पिछड़ा वर्ग को भी धोखा दे रही है। यह आरोप प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का जो पत्रकार से चर्चा कर रहे थे। सीए ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो हम सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करेंगे। कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश में आगामी सरकार कांग्रेस की बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और हम इस बात का वायदा वचन पत्र में भी हम देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर 2 गाड़ियों से 70 डिल्ले मावा जब्त किया। इस मावा की क्वालिटी को लेकर क्राइम ब्रांच ने संदिग्ध होने की आशंका जताई। इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मोबाइल वैन के जरिए मौके पर पहुंचकर इसकी गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। उधर संत नगर में भारत गैस एजेंसी के गोडाउन पर ताला लगाकर अवैध तरीके से घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करने की शिकायत आई है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में वीडियो बनाकर पुलिस को बुलाया। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ज्यादा होती है, ऐसे में डोमेस्टिक सिलेंडर से गैस इसमें ट्रांसफर करने के बाद इसे बाजार में बेच दिया जाता है। इस दौरान गोडाउन के कर्मचारी CCTV कैमरा बंद कर देते हैं।